हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी सुबह हो चुकी है और हम लोग अभी होटल से चेकआउट कर लिए और अभी हम लोग जा रहे हैं शिलोंग के लिए। जैसे कि मेरे पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, हम 2 दिन से गुवाहाटी में ही थे, तो आज हम लोग शिलोंग के लिए निकल रहे हैं। शिलोंग यानी कि जो मेघालय का कैपिटल है, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। हम लोग जहाँ पर गुवाहाटी में है, गुवाहाटी से शिलोंग का जो डिस्टेंस है वो 97 किलोमीटर है और बाई रोड आपको 3 से 4 घंटा टाइम लग जाएगा गाड़ी में। हम लोग ये वाला जो टाटा सुमो का गाड़ी है इसमें जा रहे हैं। आपको गुवाहाटी से ये वाला गाड़ी मिल जाएगा और कार भी मिल जाएगा, लेकिन कार में क्या है, आपको 3000 से 4000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा और इसमें जो गाड़ी का भाड़ा है वो 300 रुपीज़ पर पर्सन है। तो इसमें जाना मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगा क्योंकि 300 रुपीज़ लगेगा और रास्ता तो सेम ही है, तो इसमें कुछ तकलीफ भी नहीं होगा आपको। तो आप इसमें भी जा सकते हैं अगर कम बजट में आप जाना चाहें। अगर कार लेके जाना चाहें तो आप उसमें भी जा सकते हैं और टाइम आपको दोनों में सेम ही लगेगा, 3 से 4 घंटा ही लगेगा। ज़्यादा आधा घंटे का कुछ फ़र्क हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं क्योंकि पहाड़ी रास्ता है तो आपको धीरे धीरे ही जाना पड़ेगा, इसलिए मतलब 3 से 4 घंटा ही आपको टाइम लगेगा। और बीच बीच में बारिश भी हो रही थी तो ज़्यादा टाइम थोड़ा सा लगा क्योंकि मेघालय है तो वहाँ पे तो बारिश हर रोज़ होती है, तो हर रोज़ वहाँ पर बारिश है तो रास्ता थोड़ा ख़राब होता है, इसलिए आपको देख के ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पर एक मतलब बहुत अच्छी बात ये है, गुवाहाटी हो या फिर शिलोंग हो, आपको वहाँ पे जो जूस है वो बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पर फ्रूट जूस पूरा एकदम मतलब फ्रेश आपको मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। जैसे आप शुगर डाल के खाते हो मतलब वैसा ही मीठा आपको लगता है। यहाँ का फ्रूट जूस बिल्कुल भी नेचुरल होता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं गुवाहाटी से, और ये देखिए गुवाहाटी से थोड़ा सा ही दूर 10 मिनट का दूरी मतलब तय करने के बाद ये जो खूबसूरत नज़ारे हैं, खूबसूरत पहाड़े हैं और ये जो खूबसूरत वादियाँ हैं, ये सब देखना शुरू हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है शिलोंग, तो और भी खूबसूरत जगह है, लेकिन वहाँ तक का पहुँचने का जो रास्ता है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और आज हम लोग जाकर शिलोंग में ही रुकेंगे और कल सुबह हम लोग चेरापूंजी जाएंगे। चेरापूंजी जो है वो मेघालय का सबसे खूबसूरत जगह है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह है, तो मैं वो वाला व्लॉग आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, आप लोग उसे देखना मत भूलिएगा। और ये वाला व्लॉग भी आप लोग कंटिन्यू कीजिए और देखते रहिए कि गुवाहाटी से शिलोंग तक जाने के लिए रास्ते में क्या क्या सब आएगा, वो सब आप देखिए। मैं आपके साथ पूरा डिटेल्स में ये व्लॉग शेयर करूँगी। सो कीप वॉचिंग। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... और देखिए यहाँ पर बारिश भी शुरू हो गई है, और मेघालय हो और वहाँ पर बारिश ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो मतलब नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। बारिश के मौसम में हल्का हल्का ठंड भी लग रहा है और ये रास्ते में जाने का मज़ा ही कुछ और है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा था और बहुत ही अच्छा वेदर था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग आगे देखिए।
यहाँ पर हर जगह पर आपको ये सुपारी का पेड़ दिखेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुपारी का पेड़ है और बहुत ज़्यादा केले का पेड़ है। मतलब पूरा जो ये पहाड़ भरा हुआ है वो सुपारी के पेड़ से और ये जो मतलब केले का पेड़ है उससे पूरा एकदम से भरा हुआ है। रास्ते भर आपको पूरा एकदम लास्ट तक आपको ये सुपारी का पेड़ ही दिखेंगे, तो देखते रहिए। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And through the highways and
और ये हम लोग अभी शिलोंग पहुंच चुके हैं। गाड़ी का जो लास्ट स्टॉपेज हो वो सिविल हॉस्पिटल है, तो हम लोग वहाँ पर उतरेंगे और वहाँ से हम लोग जाएंगे पुलिस बाजार, तो और वहाँ पर हम लोग होटल लेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि यहाँ पे जो रास्ता है बहुत ही मतलब छोटा है, और एक तरफ से जाना होता है और एक तरफ से आना होता है, तो आप कट करके भी नहीं जा सकते, तो पूरा लाइन में लग के जाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर आगे थोड़ा भीड़ होगा और थोड़ा सा मतलब जाने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो आप लोग आगे देखते रहिए। यहाँ पर अभी सिविल हॉस्पिटल जो लास्ट स्टॉपेज है वहाँ पर हम लोग उतर चुके हैं, और ये हम लोग अभी टैक्सी के पास जा रहे हैं, और टैक्सी में हम लोग पुलिस बाज़ार जाएंगे। तो यहाँ सिविल हॉस्पिटल से पुलिस बाज़ार तक टैक्सी में 150 रुपया लेता है और 10 मिनट ही लगता है, ये पास में ही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, तो आप लोग आगे देखते रहिए। अभी हम लोग ये पुलिस बाज़ार में उतर चुके हैं, यहाँ पर एक शनि जी का मंदिर भी है, और ये पास में आगे ही इंडियाना होटल है, तो हम लोग वहाँ पर रुकेंगे। तो ये वाला जो होटल है हम लोग यहाँ पर रुकेंगे, तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं चेक इन करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग अभी 2 दिन ही रुकेंगे, आज रुकेंगे कल रुकेंगे, फिर परसों हम लोग गुवाहाटी के लिए निकलेंगे। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और मैं आप लोगों को होटल दिखाती हूँ। Till I get up.
अभी हम लोगों ने शिलोंग में होटल में चेक इन कर लिया है। ये हमारे रूम से बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है। आगे का जो व्लॉग है मैं दूसरे वाले व्लॉग में शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना। होप आप सबको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।